यूपी के मऊ जनपद में पुलिस ने सालों से चल रहे फर्जी पासपोर्ट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यह रैकेट कुछ पुलिसकर्मियों की मिली भगत से फल फूल रहा था। भंडाफोड़ के बाद हरकत में आई पुलिस ने एक महिला हेड कांस्टेबल सहित चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और दो पुलिसकर्मियों सहित कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एलआईयू में तैनात महिला हेड कांस्टेबल सहित दो लोग अभी भी फरार हैं, जिन पर एसपी अनुराग आर्य ने 10-10 हजार रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी है। बता दें कि पिछले दिनों फर्जी पासपोर्ट बनाए जाने की सूचना पर स्वाट टीम से जांच कराई गई थी, जिसमें रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था और कोपागंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जांच में 12 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। इन 12 लोगों में से चार पुलिस विभाग से ताल्लुक रखते थे, जबकि 8 लोग पब्लिक के हैं। इन 12 में से 10 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस विभाग के एलआईयू में तैनात दो आरोपी संध्या मिश्रा और अनिल विश्वकर्मा अभी भी फरार हैं, जिन पर एसपी ने इनाम की घोषणा कर दी है। 3 दिन पहले से जो पासपोर्ट के संबंध में खुलासा हुआ था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों की संलिप्तता पाई गई थी, उसमें एक और दो अनुवादक और एक होमगार्ड को जेल भेजा गया था। एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जो एलआईयू के थे वो वांछित हैं इस प्रकरण में। उन दोनों के ऊपर 10 हजार का इनाम घोषित किया गया है और बहुत जल्दी ही इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। ये जनपद में तो इनकी तैनाती है ही, लेकिन जब से इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है तब से फरार है। एलआईयू ऑफिस का भी कल निरीक्षण किया गया था मेरे द्वारा और वहाँ भी जानकारी की गई, तो अभी इनकी वर्तमान में कोई लोकेशन हम लोगों को नहीं मिल पाई है, लेकिन बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार करेंगे और इसीलिए इनके ऊपर रिवॉर्ड भी किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है और बाहर अगर इस तरह के लोग बाहर रहेंगे तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।